और आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का, मंत्रिमंडल विस्तार का दिन है। 34 दिन पुरानी देवेंद्र फडणवीस सरकार का आज पहला विस्तार हो रहा है और शिवसेना आज सरकार में शामिल होगी। शिवसेना के 12 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। सीधे आपको हम इसी शपथ ग्रहण समारोह में लेकर चलते हैं। लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाचाही विषयी ममत्व भाव किंवा आकर्ष न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी गिरीश भालचंद्र बापट ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। गिरीश चंद्र बापट ने अभी अभी शपथ ली है। आज महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और शिवसेना के जो नेता हैं वो आज शामिल होंगे। गिरीश बापट बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। कस्बा पेट पुणे से गिरीश दत्तात्रेय महाजन। मी गिरीश दत्तात्रय महाजन विश्वासार्थ शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी गिरीश दत्तात्रय महाजन ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून मी माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद जय महाराष्ट्र। गिरीश महाजन बीजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बने, जलगांव से विधायक हैं, पांचवी बार विधायक चुनकर आए हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकप्रिय नेता हैं, सीनियर लीडर हैं पार्टी के, कैबिनेट मंत्री बने। अभिलाष खानेकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, नेशनल पॉलिटिकल एडिटर दैनिक भास्कर ग्रुप, महाराष्ट्र की राजनीति के एक्सपर्ट भी हैं। अभिलाष जी, जो जो नेता आज मंत्री बनने जा रहे हैं हम चाहेंगे इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर आप संक्षेप में हमको कुछ कुछ बताते रहें। जी, वंदन करो। मैं दिवाकर नारायण रावते ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकर्ष
न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी दिवाकर नारायण रावते ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझा विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभिलाष जी, दिवाकर रावते जी, दिवाकर रावते बहुत ही पुराने शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और बाला साहब के बाद वो काफ़ी सीनियरिटी उनकी वहाँ पर है और वो उद्धव से भी ज़्यादा सीनियर हैं और उद्धव उनकी काफ़ी सुनते हैं। तो मुंबई के मेयर रहे, पुराने मंत्री रहे, तो मेरे ख्याल से दिवाकर रावते का मंत्रिमंडल में आना लगभग तय था। और जब शिवसेना की और बीजेपी की बातचीत चल रही थी कि अब शिवसेना बीजेपी में मंत्रिमंडल में ज्वाइन करेगी, तो उस समय भी उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शायद इनका नाम लिया जा रहा था। और तो ये काफ़ी इनका काफ़ी अहम रोल रहा है, इनका रोल काफ़ी रोल रहा है क्योंकि ये स्ट्रैटेजिस्ट भी है, जैसे सुभाष देसाई हैं वैसे दूसरे स्ट्रैटेजिस्ट ये भी है। ये मराठवाड़ा जो सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है महाराष्ट्र का, वहाँ पर उन्होंने शिवसेना को काफ़ी मुस्लिम जो वोटर्स हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है मराठवाड़ा में, उसके अगेंस्ट में शिवसेना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इनको निश्चित रूप से इनसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी क्योंकि ये नंबर वन पर इन्होंने शपथ ली है, शिवसेना के सबसे कद्दावर नेता है ये। और जिसमें गठबंधन सरकार थी उस समय भी ये बम्बई में मेयर रह चुके हैं, तो बम्बई का महापौर होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मी हिंदुर्भे सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून शपथ घेतो की मी सुभाष राजाराम देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुभाष राजाराम देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी। मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुभाष देसाई ये भी बड़े सीनियर सदस्य हैं शिवसेना, बहुत 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 वरिष्ठ सदस्य हैं और 1971-72 में इन्होंने गोरेगांव में जिस तरीके से एमएलए बनने के बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट की थी, तो उसके चलते गोरेगांव पैटर्न उभर कर आया था और उस समय शिवसेना को बमुश्किल 8-10 साल हुए थे अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए हुए क्योंकि पार्टी 1966 में बनी। तो आज भी ये शिवसेना का एक रणनीतिकार के रूप में सुभाष देसाई का नाम लिया जाता है और वो निश्चित रूप से आज यदि नंबर दो पर आ रहे हैं तो उनका शपथ विधि के क्रम में तो उनका काफ़ी बड़ा उनको मंत्रिमंडल में पद मिलने की संभावना है। और सुभाष देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उद्धव ठाकरे सुनते हैं। श्री रामदास गंगाराम कदम। मी शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना देतो आणि शपथ घेतो। मी रामदास गंगाराम कदम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी रामदास गंगाराम कदम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेळीच घेऊन यावी. मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रामदास कदम, अभिलाष जी, बड़े वोकल एलिमेंट हैं शिवसेना के, और अभी भी अगर कोई विरोधी सुर जो है बीजेपी के लिए सुनने को मिले थे इस दौरान, तो इनकी तरफ से ज़्यादा सुनने को मिला था. हाँ, इनकी तरफ से ये लगातार उस चीज़ को अपोज कर रहे थे जहाँ पर उद्धव ठाकरे एक अलग लाइन ले रहे थे, तो इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा. इस बार वो चुनाव में हार भी गए तो उनको विधान परिषद से वापस लाया गया, और पूर्व में ये महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष के नेता थे जब राणे के बाद में, तो शिवसेना का एक ये अलग सा चेहरा है जो सुभाष देसाई और दिवाकर रावते में नहीं दिखता है. लेकिन फिर भी इनकी आवश्यकता आज की तारीख में शिवसेना को इसलिए है कि शिवसेना के अध्यक्ष या शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के पास में वो आक्रामकता नहीं है जो राज ठाकरे या बालासाहेब ठाकरे में थी, तो वो आज कदम में वो दिखती है. और यदि अपने वोटर्स को इकट्ठे करके रखना है तो रामदास कामत जैसे लोग आवश्यक चाहिए. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकनाथ शिंदे, इनके बारे में ये थाने से विधायक हैं, ये ज़्यादा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे काफ़ी इनमें भरोसा करते हैं. अभी जब शिवसेना का जो युति या जो इनका गठबंधन टूट गया था तो शिवसेना के 62 विधायकों के लीडर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वहाँ से अब ये सत्ता में आ गए हैं. पर पिछले महीने भर से शिवसेना की तरफ से वो लीडर ऑफ अपोजिशन या विरोधी पक्ष के दल के नेता थे एक पूरी तरीके से, और वहाँ से उन्होंने अब आज सरकार में ज्वाइन करने के बाद में तो उनका थोड़ा सा वो कम हुआ है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाकी सब लोगों को छोड़ के पुराने इनको जब विरोधी पक्ष का नेता की जिम्मेदारी दी थी तो इसका मतलब इनमें वो सारे गुण हैं जो एक विरोधी पक्ष के नेता को लीडर में होना चाहिए, और उनको चलाने के लिए वो आवश्यकता थी क्योंकि उनको लग नहीं रहा था इतनी जल्दी बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ेगा इनको. मी चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव व आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
ये बीजेपी कोटे से मंत्री बन रहे हैं, अभिलाष जी आप कोई खास फर्क देख रहे हैं? जो मंत्री चुनकर शिवसेना की तरफ से आए हैं, जो बीजेपी की तरफ से आए हैं, शिवसेना के ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी आस्था श्रद्धा मातोश्री में सबसे ज्यादा है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, बीजेपी की तरफ से क्या फैक्टर है? बीजेपी की तरफ से अब देखिए, चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर के हैं और मुख्यमंत्री भी नागपुर से आए हैं, नागपुर एक दूसरी राजधानी है महाराष्ट्र की, संघ के करीबी माने जाते हैं, और इनका जो परफॉर्मेंस रहा है, नागपुर एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पर वहाँ से अब दो रिप्रेजेंटेटिव्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो गए, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और एक चंद्रशेखर बावनकुले रहे हैं। शिवसेना की बात कहें तो शिवसेना में तो हमेशा ही बाला साहब ठाकरे के साथ में जिनकी लॉयल्टी थी या उद्धव ठाकरे के साथ लॉयल्टी थी, अर्थात मातोश्री के साथ, तो उनका निश्चित रूप से महत्व बड़ा ही है। अब बीजेपी की तरफ से भी जो महत्वपूर्ण मंत्री आ रहे हैं जो इतने दिन तक नहीं आ पाए थे, उनको अब कैबिनेट में लिया गया है। भवनराव दत्तराव लोणीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सद्बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी भवनराव दत्तराव लोणीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञान होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करून मी राजकुमार गंगाबाई सुदाम बडोले ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी राजकुमार गंगाबाई सुदाम बडोले ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय भीम, जय सेवा, जय भारत। स्वागत है आपका एक बार फिर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इस वक्त जारी है। बीजेपी से समझौते के बाद शिवसेना के मंत्री भी आज सरकार में शामिल हो रहे हैं। वंदनीय शिवसेना प्रमुख यांना वंदन करून आदरणीय उद्धवजींना प्रणाम करतो। मी संजय दुलीचंद राठोड ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन
आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वाभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी संजय दुलीचंद राठोड ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईन किंवा मला ध्यात होईन अशी कोणती बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवालाल. हमारे साथ मुंबई से अनुराग चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं. स्टूडियो में अभिलाष खांडेकर जी हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं. अनुराग जी, संजय राठौर राज्य मंत्री शिवसेना की तरफ से बनाए जा रहे हैं, ये जितने भी मंत्री शिवसेना ने चुन के दिए हैं अपने कोटे से, इनमें कोई समान बात दिख रही है आपको? इनमें मुझे सबसे बड़ी समान बात तो ये दिख रही है कि सब एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. सब बाल ठाकरे जी को नमन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी को याद कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो वरिष्ठ शिवसेना के जो मंत्री बनाए गए हैं उनको बहुत अनुभव है प्रशासन का, और वही प्रशासन जो है वो शिवसेना को फिर से एक तरीके से वापस से मुख्य धारा में ला सकता है, यह सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है. जी, हम इंतजार करें अगले मंत्री जो है उनकी शपथ सुन लें, फिर आगे बात करते हैं. श्री दादाजी दगड़ू भुसे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरेंना वंदन करून, आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांना प्रणाम करून, मी दादाजी दगडू भुसे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी दादाजी दगडू भुसे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दादाजी दगडू भुसे, अभिलाष जी, इनके बारे में क्या जानने लायक बात? महाराष्ट्र मतलब ये मालेगांव उत्तर से, और बड़े जिसको कहते हैं कि आक्रामक वो है मालेगांव की जो स्थिति है, ये भी फायर ब्रांड किस्म, फायर ब्रांड किस्म के हैं. और मालेगांव की जो स्थिति है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन दोनों ज़्यादा हैं, और इसलिए शिवसेना के तरफ से या शिवसेना की ओर काफ़ी कॉन्सनट्रेशन हो जाता है वोटर्स का, तो उसके चलते ये तीसरी बार जीत कर आए हैं वहाँ से, और ये अलग किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं. तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कुछ मंत्रियों के नाम दिए हैं तो उसमें हर वर्ग को और हर तरीके को समझ के उन्होंने, क्योंकि अब शिवसेना 15 साल बाद वापस पावर में आ रही है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मंत्रिमंडल के गठन में उन्होंने अपने ऐसे सिपाही दिए हैं जो उनकी सब तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के ऊपर पकड़ रख सकें. यानी कुछ अगर प्रशासनिक अनुभव वाले लोग रखें तो कुछ मसलमैन भी दे दिए हैं जो फील्ड में, जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जिनके पीछे लोग हैं काफ़ी. अब सुभाष देसाई वगैरह जो लोग काफ़ी सीनियर हो गए हैं उनकी प्रशासनिक क्षमता अलग है, लेकिन इन लोगों को वोट कबाड़ने की जो इनकी ताकत है वो अलग है. श्री विजय सोपान राव सिफतारे, हिंदू हृदय सम्राट
वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीला अभिवादन करून पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे यांना प्रणाम करून मी विजय सोपानराव शिलतारे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी विजय सोपानराव शिवतारे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून मी माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अनुराग जी, विजय शिवतारे के बारे में ये सबसे प्रमुख बात लोग बताते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स का मतलब है शरद पवार की खिलाफत. जी हाँ, शरद पवार जब एक छत्र राज कर रहे थे तो इन्होंने शरद पवार को काफ़ी बड़ी चुनौती दी थी. वहाँ पे जन संगठन किया था और उन्होंने काफ़ी उन मुद्दों को उठाया था जो कि वहाँ पे चर्चित रहे थे. शरद पवार को एकमात्र चुनौती देने वाले वो या शरद शेट्टी जो कि किसान संगठन के हैं, इन लोगों ने काफ़ी वहाँ पर जन आंदोलन किए, जन संघर्ष किए और उनको एक चुनौती दी. और जो वहाँ पे बारामती में जो भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी जन संघर्ष किया. पुरंदर से दूसरी बार विधायक हैं, इनकी एक छवि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पर भी है. विजय शिवतारे 2009 में ये एनसीपी से शिवसेना में आए थे. श्री दीपक बसंत केसरकर, मी महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि वृंदी हिंदू हृदय सम्राट सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून मी दीपक वसंत केसरकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी दीपक वसंत केसरकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेनाकडून माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून उद्धव साहेब आपल्याला देखील वंदन करून मी रवींद्र रत्नम वाईकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी
मी रवींद्र अत्राम वायकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला न्यात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी अवश्य असेल ते खेरीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो चलते हैं मुंबई. देवेंद्र फडणवीस सरकार का आज विस्तार हो रहा है और शिवसेना आज सरकार में शामिल हो रही है. तो शिवसेना का सरकार में शामिल होना ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी लोग इसको अच्छा ही मान रहे हैं कि कम से कम एक स्थिरता सरकार में आई क्योंकि एनसीपी ने पहले सपोर्ट दे दिया आउटसाइड सपोर्ट और उसके बाद में शरद पवार ने कुछ ही दिनों बाद कह दिया कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की स्टेबिलिटी की गारंटी एनसीपी नहीं देता है. तो उसके कारण एक फिर असमंजस की स्थिति बन गई और ये दोनों पुराने दोस्त साथ में आ गए हैं. तो मेरे ख्याल से इनके वोटर्स और जनता में भी एक अच्छा मैसेज गया है. क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले इशारा भी कर रहे थे कि खुद देवेंद्र फडणवीस भी एनसीपी के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे. बहुत असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि फडणवीस ने उनके खिलाफ ही अपने पूरा मोर्चा के दौरान उन्होंने उनके खिलाफ खूब अटैक किए थे. लेकिन आज उनके सहारे उनको सरकार चलाने में दिक्कत थी.